नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ काली उड़द दाल की बहुत ही टेस्टी एक खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप चावल और लिया है मैंने उड़द दाल 1/4 कप। दाल और चावल आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दाल और चावल को मैंने अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है। सबसे पहले हम कुकर में डाल लेंगे 2 चम्मच घी, 1/4 कप घी। डाल देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के, 1 छोटी इलायची, 3 लौंग, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। जीरा जैसी फ्राई हो जाए डालेंगे 4 से 5 लहसुन को चॉप करके। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन के बिना ही बनाइएगा। लहसुन का कलर जैसे हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे 1 छोटे साइज के प्याज को बारीक चॉप करके। 3 से 4 मिनट हम पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। तीन से चार हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है और बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कम मसाले में टेस्टी आपका ये खिचड़ी बन जाएगा। प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का जैसी 3 से 4 मिनट फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 1 छोटे साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। और 2 से 3 मिनट टमाटर डाल के और हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट टमाटर डाल के भून लिया है। टमाटर भी बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा मटर के दाने और साथ ही हम डाल देंगे दाल और चावल। अब हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इसके अलावा कुछ भी और मसाले हम नहीं डालेंगे, बस दाल चावल डाल के हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे, फिर हम डालेंगे पानी। दाल और चावल डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1.5 कप पानी। अच्छे से हम मिलाएंगे। कुकर को बंद कर दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम में सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद करके खिचड़ी को हम 3 से 4 मिनट कुकर में रहने देंगे। 2-3 मिनट बाद हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और देखिए हमारा खिला खिला खिचड़ी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार हुआ है। बस ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। बस अच्छे से मिक्स करके हम प्लेट में सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से बनाइए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाइए एक बार खिचड़ी, खाइए। और रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के सर्व कर सकते हो। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी खिचड़ी। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।